ये सोचा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दिन सोकर उठेंगे और हमें एहसास होगा कि जिंदगी यूं ही बीत गई। और उस पल में बस मैं ये नहीं कहना चाहता कि काश काश मैंने अपने सपनों को जिया होता। सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। सो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो 2021 की हमारी आज की पहली ट्रिप होने वाली है और हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं मैं एक बार आपको मिलवा देता हूँ। तो राहुल देव सर, जगदीश भाई, फैजुल भाई डंडा लेके पूरी तरह से तैयार है, बिकॉज नाइट में हमें सफ़र करने की बड़ी चुल है। तो थोड़ा सा इस बार सेफ्टी के हिसाब से हमने एक बेसबॉल का डंडा रख लिया है बाई चांस। वैसे तो हमें कुछ होने वाला है नहीं लौंडे, लेकिन फिर भी सेफ्टी वाइज हमने रख लिया है, बिकॉज ऐसी जगह पे जाते हैं हम जहाँ पे कोई नहीं मिलता हमें। सो बस निकल रहे हैं, रात के बज रहे हैं 9:30, बहुत अच्छी वाली सर्दी है और जा रहे हैं वहाँ पे और अच्छी वाली सर्दी है। तो इन्जॉय करेंगे, चिल करेंगे और आपके लिए बनाएंगे बेहतरीन वाले व्लॉग। सो हाउस दी जोश सर, आइए। बहुत, तो अभी मिलते हैं आपसे गाड़ी के अंदर और जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आइए। सो गाइज, अभी 10 बज चुके हैं एंड वी आर इन राया। सो जो हमारा रूट रहने वाला है वो है राया अलीगढ़ वाया मुरादाबाद और फिर हम कालाडूंगी से स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स नैनीताल। सो हम फाइनली फिर से नैनीताल जा रहे हैं, लेकिन जो लोकेशन है वो नई है, जो हमारा रिजॉर्ट है वो नया है। सो मेन फील तो उस लोकेशन का जो हम लेने जा रहे हैं, बाकी इजी पड़ता है, बहुत कन्वीनियंट पड़ता है, बहुत बजट में पड़ता है, इसलिए मैं नैनीताल जाना बार बार प्रेफर करता हूं। तो इस बार फिर से नए लोग, देव सर पहली बार जा रहे हैं, जगदीश भाई हमारे साथ पहली बार जा रहे हैं, तो इन लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे और कुछ हमें वीडियोस वगैरह भी शूट करने हैं, तो वो काम भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी हम जा रहे हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग एक छुट्टी में इतने अच्छे से इंजॉय करते हैं, इतनी अच्छी ट्रिप करते हैं और वो भी बजट में। सो आपको सारी चीज़ें इस ट्रिप पर हम मतलब अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे, बताएंगे। सो प्लीज़ कंटिन्यू करते आइए। चाय भी पैक की स्टाइल में बनाते हुए दो पैक तैयार हो गए हैं चाय के, और ये तीसरा पैक चाय का तैयार हो रहा है, ये तीसरा रखा है इन्होंने, और अब ये चौथा पैक भी बनाएंगे चाय का, कड़क चाय। अब सर्दी में कुछ तो चाहिए, बिल्कुल गर्मी के लिए, बिल्कुल तो चाय के ही पैक लड़ा ले। ये आ गई गर्मा गर्म चाय। तो कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, घर से सब कुछ लेके आए हैं, तो गाड़ी में चलते चलते ही चाय पियेंगे, खाना वाना लेके आए हैं, सब स्नैक्स वगैरह सब कुछ फुल है गाड़ी में, तो कहीं भी रुकने की हमें जरूरत नहीं है, सर्दी का टाइम है तो बाहर क्यों निकलना। सो चीयर्स। सो गाइज, अभी 2 बज चुके हैं और अभी हम पहुंचे हैं मुरादाबाद। सो काफ़ी टाइम से आगे, बिकॉज ट्रैफिक नहीं है, रोड काफ़ी अच्छी है, और जो हम सोच के चल रहे थे कि शायद फॉग मिलेगा इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले थे, तो फॉग बिल्कुल था नहीं, रोड्स बिल्कुल क्लियर थे, तो टाइम से हम आ गए हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो यहाँ से नैनीताल आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो अभी बस चाय पियेंगे, बिकॉज मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी ड्राइविंग करते समय, तो रिस्क नहीं लेना बिकॉज हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो एक एक चाय पियेंगे और सोच रहे हैं 1-2 घंटे का गाड़ी में ही पावर नैप ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा फ्रेश हो जाएं, और फिर स्टार्ट करेंगे 5 बजे के आसपास, जिससे कि जो नज़ारे हैं वो भी हम इंजॉय कर पाएँ और आप भी इंजॉय कर पाएँ। सो गाइज, चाय पी ली है तो अभी बस थोड़ी देर सो लिया जाए, फ़ोन में अलार्म लगा दिया है मैंने 5 बजे का, अभी 2:30 बज गया है, तो 2-2.5 घंटे आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। सो बस होप कि नींद आ जाए, बिकॉज कल भी हमें पूरा दिन एक्सप्लोर करना है, घूमना है, कैंपिंग वगैरह करनी है, तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ज़रूरी है, तो वो सो के एनर्जी अपनी ले लेते हैं एक बार। 2 hours later. सो गाइज, इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर अबाउट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आर लोकेशन, दैट इज़ नैनीताल। सो यहाँ से लेफ्ट जो ये रास्ता जा रहा है, ये जाता है जिम कॉर्बेट के लिए, और हम जाएंगे सीधे कालाडूंगी की तरफ,
जहाँ से हम नैनीताल की जो चढ़ाई है वो स्टार्ट करेंगे। और आप देखिए 7 बज चुके हैं लेकिन अभी सनलाइट आई नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा अभी बाकी है। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:45 और अभी हम रुके हैं एक वैली व्यू पॉइंट पे और मैं अभी आपको नज़ारा दिखाऊंगा, पहले आप नज़ारा देखिए। और इस बार हम बहुत सारा असला बारूद लेके आए हैं अपना रिकॉर्डिंग के लिए, तो हमारे पास काफ़ी सारे कैमरे हैं। और सबसे मेन चीज़ इस बार हम अपने साथ लेके आए एक परिंदा। सो अभी आप शॉट देखेंगे इस परिंदे से, ड्रोन से। सो अभी उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का व्यू, सो थोड़ा सा वेट करिए अभी आप। चुपचाप क्यों चल रहे हम लोग, क्यों चोरी साहब? हाँ जी, चेहरे पे धूप इतनी क्यों आ रही है? तुम तो कह रहे थे यहाँ बर्फ पड़ रही है। मजाक किया भाई साहब हमारे साथ में, देख रहा हूँ भैया ये हमारा मजाक किया है, मजाक उड़ाया है। हम कब बोले थे कि यहाँ बहुत बर्फ पड़ रहा है? बर्फ रात में पड़वा करी ना, पड़वा करी इधर तो आग बरसा देखा करी साला। दो नई ये दो भैया को और बेवकूफ बनाया, देखा करी देखा करी। सो अभी बज गए हैं 8:30 और हम लोग रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज रात को भी हल्का फुल्का ही कुछ खाया था। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो हम नैनीताल नहीं जा रहे हैं, हमेशा की तरह हम नैनीताल आते हैं लेकिन नैनीताल में कभी हमारा स्टे नहीं होता है। हम जाएंगे पंगोट और पंगोट से भी इस बार हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एक बहुत ही अच्छी लोकेशन हमने सर्च की है, तो आज का स्टे हमारा वहाँ पर रहने वाला है, तो हम वहाँ पर कैंपिंग करेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और आई होप आपको इस बार जो शॉर्ट्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो पसंद आ रहे होंगे, बिकॉज इस बार असला बहुत ज़्यादा है हमारे पास।
सो गाइज अभी रुके हैं हिमालयन व्यू पॉइंट पे, आप सामने देख सकते हैं पूरी हिमालयन रेंज। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ अभी, और यहाँ पे गाड़ी पार्क की है, मैं ये भी दिखा देता हूँ गाड़ी कैसे पार्क की है। और बिल्कुल एंड पॉइंट है, आगे खाई है। थोड़ा सा बैक करते हैं और मेन रोड पे आते हैं। तो देव सर, आज आपको हमारे साथ आकर के कैसा लग रहा है यहाँ नैनीताल में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार नैनीताल आ रहा हूँ। पंगोट एक जगह है जहाँ राहुल मुझे लेके आया है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं। मसूरी वगैरह तो गया हूँ, उधर कश्मीर भी गया हूँ, इस साइड पहली बार आ रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे व्यू हैं, और सबसे अच्छा व्यू मैंने अभी जस्ट देखा है थोड़ी देर पहले हिमालयंस का, टोटली अमेजिंग। फर्स्ट टाइम लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा, आई एम एन्जॉइंग द ट्रिप, एन्जॉइंग एवरीथिंग। पीछे ही लेना पड़ेगा आपको। गाड़ी आ रही है क्या? सो फाइनली रीच्ड पंगोट, जहां पे हम ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं। यहीं पे पास में ही हमारा कैंप हुआ करता था, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और डेस्टिनेशन 3 किलोमीटर दूर है अभी हमारी। सो बिल्कुल नेचर के बीच में, जंगलों के बीच में हम आज रात को रुकेंगे, और आप रोड देख सकते हैं। अब बिल्कुल नीचे की तरफ हम चल रहे हैं। आई होप कि कैमरा जस्टिफाई कर रहा हो, लेकिन काफ़ी नीचे की तरफ गाड़ी एक साथ जा रही है, और बहुत ही पतले रोड्स हैं, बहुत ही नैरो है। आप देख सकते हैं सामने से गाड़ी आ रही है, तो पास देने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी भी आपने देखा होगा कई बार गाड़ी आगे पीछे हमको करनी पड़ती है। ये वाले कैंप्स हैं जहाँ पे हम पहले रुका करते थे, मेही कैंप्स, लेकिन इस बार हम और थोड़ा आगे जा रहे हैं, बागड़ मल्ला की तरफ। तो रोड देखिए आप, बिल्कुल प्योर जंगल, प्योर नेचर, ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ हम चार लोग। मतलब इससे ज्यादा पीसफुल कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिल सकता, आप देखिए। लेकिन सजेशन वही है कि यहाँ पे सिर्फ तभी आए जब आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो माउंटेन्स में चलाने के लिए, बिकॉज हाइट है, स्टीप रोड्स हैं, पतले रोड्स हैं, तो आपको साइड वाइड देने में बहुत दिक्कत होती है, सो उसका ध्यान रखना पड़ता है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, स्पेशली फैजुल भाई, बार बार नीचे उतरना, गाड़ी का शॉट लेना, टेकिंग लेना, उसके बाद फिर जब गाड़ी काफ़ी आगे निकल जाती है, जब जाके फिर वो बैठते हैं, तो मेहनत होती है एक एक शॉट को, एक एक सीन को, मतलब विजुलाइज करना, उसको फिर टेक करना, और उसके बाद फिर एडिटिंग में आप देखते हैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपको बहुत जल्दी से दिखाई देती हैं, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें। लेकिन उसके पीछे की मेहनत मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे फैजुल भाई सामने खड़े हैं, और मैं अब गाड़ी चलाऊँगा, जब वहाँ से इशारा मिलेगा फिर टेकिंग होगी, और फैजुल भाई को आप देख पाएंगे किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अभी सिग्नल मिला है कि रुकना है, जब वहाँ से थम्स अप आएगा जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे अपनी, तो फैजुल भाई और जगदीश सर दोनों हैं, इशारा मिल गया है, सो अभी हम चलते हैं। तो मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूं, और फैजुल भाई मेरे सैमसंग वाले फ़ोन से शूट कर रहे हैं, और रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये दोनों भैया हमारे टेकिंग कर रहे हैं, और गाड़ी अब यहाँ से जाएगी, बिकॉज बैक शॉट आएगा।
सो गाइस क्या दिख रहा है आपको, हम जा कर रहे हैं, बिकॉज मुझे रोड बिल्कुल नहीं दिख रही है। और टर्न देखिए आप, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री वाले टर्न है ये, 90 डिग्री वाले, 90 भी नहीं पता नहीं, 45 डिग्री वाले टर्न है ये। लुक एट द रोड्स मैन, लद्दाख वाला फील तो यही आ रहा है, क्यों फैजल भाई? या लद्दाख में क्या होगा हमारा? इस पे तो नहीं जाना हमें, यहाँ नहीं जा पाऊंगा भाई मैं। सो गाइज अभी तो हम मेन रोड पे आ रहे थे, मेन तो क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अभी हमें जाना है इस तरफ अपने कैंप के लिए, तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। सो अभी देखते हैं कैसे चढ़ेंगे, शायद अभी ऊपर से कोई गाड़ी आ रही है, हमें इंडिकेशन मिला है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। जगदीश सर और देव सर ऊपर गए हैं, तो जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा फिर हम ऊपर चढ़ाएंगे। तो टेकिंग दिखाता हूँ, फैजुल भाई नीचे कैमरा लेके रेडी है, मैंने गोप्रो सेट कर दिया है। सो गाइस फाइनली टाइम आ गया है गाड़ी को ऊपर चढ़ाने का, तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में छोटा सा रास्ता है। सो अभी गाड़ी हम चढ़ाते हैं, फर्स्ट गियर में जाएगी बिकॉज एकदम स्टीप चढ़ाई है, आप देख सकते हैं। सो फाइनली 14-15 घंटे की मेहनत के बाद अपने कैंप पहुंच गए हैं, अभी और ऊपर जाना है कैंप की तरफ। और व्यूज अमेजिंग, थोड़ी सांस फूल रही है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। और फैजू सर, फैजू भाई हाउ इज द जोश? लो लो, इट्स वेरी वेरी लो, लेकिन नज़ारे यार अल्टीमेट, और आसमान ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्रश लेके ब्लू पेंट कर दिया है, इतना क्लियर क्रिस्टल अमेजिंग। सो फाइनली थोड़ी सी ट्रैकिंग के बाद कैंप्स पहुंच गए हैं बस, और झूल रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा। छोड़ू, क्या नाम है? यशपाल सिंह। हमारे लिए लेके आए शरबत और गर्म पानी, तो गर्म पानी पी लिया है, अब लेते हैं ये रूह अफ़ज़ा, देखने में काफी कूल लग रहा है, पी के देखते हैं। फैजल भाई शरबत लेवा करी। सो गाइस फाइनली 11 बज चुके हैं, और हाँ मतलब बहुत मेहनत के बाद और एक अच्छी खासी ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन वर्थ इट है। जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, और बिल्कुल लैप ऑफ नेचर, मतलब आप बिल्कुल एक नेचर की वादियों में बीच में बैठे हुए हैं। सो वो सारी चीज़ें आप नेक्स्ट व्लॉग में देख पाएंगे, डिटेल से सारी चीज़ें हम शूट करेंगे और आपको नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन इस व्लॉग की जो खासियत है उससे मिलवाना तो मैं भूल ही गया, मतलब हमसे कोई मिलने बहुत दूर से आया है, आप गैस भी नहीं कर पाएंगे कौन आया है। सो हमसे मिलने आए ऑल दी वे फ्रॉम जालौन, रोहित भाई दरोगा जी की शादी वाले दरोगा जी। सो दरोगा जी हमारे सजेशन पे और हमारे एक पोस्ट को देख के इन्होंने भी सेम डेट में सेम टाइम में बुकिंग कराई है और भाभी जी के साथ आए हैं। सो मतलब कैसे प्लान बना भाई? ब्लॉग देखा और मैंने कहा लोगों से मिलने का मिलेगा। सो वैसे तो हम नहीं मिल पाते, ये अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, तो प्लान बना, इनकी भी छुट्टियां थी, हमारा भी सैटरडे संडे था, तो प्लान बना लिया और एक साथ हम लोग आ गए हैं पंगोट नैनीताल में। सो अभी हम लोग 4 से 6 हो गए हैं, सो यहाँ पे आज धमाल मस्ती और बहुत कुछ होगा। सो वो सारी चीजें आप देख पाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट स्टे फिट एंड लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। सो बाय बाय।